नमस्कार दोस्तों, तो रिसेंटली पोको X5 5G इंडिया पे लॉन्च हो चुका है। दो वेरिएंट पे लॉन्च हुआ है, एक का प्राइस है 19,000, दूसरे का प्राइस है 21,000 रुपए। वैसे इसके साथ सेम प्राइस पर में अवेलेबल चार डिफरेंट स्मार्टफोन का मैंने कंपैरिजन वीडियो बना दिया है और उसमें से एक में जीवा चल रहा है। अगर आपने पार्टिसिपेट नहीं किया तो आई बटन से पार्टिसिपेट कर सकते हैं। लेकिन इस वीडियो में बात करेंगे क्या 19,000 रुपए पे जो नया वाला पोको X5 5G बेटर है, या फिर कुछ महीने पहले इंडिया में जो लॉन्च हुआ था 19,500 रुपए पे मोटोरोला G82 5G, वो आपके लिए बेटर चॉइस है। इस वीडियो में इसके बारे में बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो बिना कोई बात का। आज का वीडियो शुरू करने से पहले, अगर आप गैजेटोल चैनल पे नए हैं और ऐसे ही टेक रिलेटेड वीडियो डेली देखना चाहते हैं तो गैजेटोल चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो दोनों स्मार्टफोन का हम कंपैरिजन शुरू करेंगे दोनों के कलर को देख के। ये जो पोको X5 5G आपको टोटल तीन कलर पे मिलेगा, ब्लैक, ब्लू और ग्रीन। उसी जगह में जो मोटोरोला G82 5G उसका टोटल दो कलर मिलेगा, ग्रे और व्हाइट। अगर हम दोनों की बिल्ड क्वालिटी के बारे में बात करें तो दोनों स्मार्टफोन के पीछे आपको मिलेगा नॉर्मल पॉलीकार्बोनेट मतलब प्लास्टिक का बैक कवर। लेकिन अगर मुझे बोलेंगे कि दोनों में से मैं किसके डिजाइन को ज्यादा प्रेफर करूंगा तो मैं इधर मोटोरोला के जो पीछे का सिंपल डिजाइन उसे मैं थोड़ा सा ज्यादा प्रेफर करना चाहूंगा। नेक्स्ट, अगर हम दोनों के डायमेंशन के बारे में बात करें, पोको का थिकनेस है 8 मिलीमीटर और वेट है 189 ग्राम। उसी जगह पे मोटोरोला का थिकनेस है 8 मिलीमीटर और वेट है जस्ट 173 ग्राम। मतलब कैसे थे कि 20,000 के अंदर का जितने सारे स्मार्टफोन है सबसे हल्का एक्सपीरियंस आपको इस मोटोरोला G82 में आपको मिलेगा। तो मतलब अगर आपको सबसे हल्का फुल्का फोन चाहिए तो आपके लिए मोटोरोला G82 होगा सबसे बेस्ट। डिस्प्ले की अगर बात करें, पोको पे आपको मिलेगा 6.67 इंच फुल एचडी प्लस 120Hz सुपर एमोलेड डिस्प्ले। मोटो पे आपको मिलेगा 6.6 इंच फुल एचडी प्लस 120Hz 3-bit पोलेट डिस्प्ले। पोको पे आपको मिलेगा 90% का आसपास स्क्रीन टू बॉडी रेशियो, और क्योंकि मोटोरोला पे आपको पोलेट डिस्प्ले मिल रहा है तो इसीलिए इसका जो स्क्रीन टू बॉडी रेशियो वो भी है नॉर्मल से थोड़ा सा ज्यादा, मतलब 92%। पोको पे आपको मिलेगा गोरिल्ला ग्लास 3 की तरफ से डिस्प्ले प्रोटेक्शन। मोटो पे आपको ऐसा कोई भी गोरिल्ला ग्लास की तरफ से तो नहीं, लेकिन थर्ड पार्टी ब्रांड की तरफ से डिस्प्ले प्रोटेक्शन आपको मिलेगा। और अगर हम डिस्प्ले रिलेटेड कुछ बाकी चीजों के बारे में बात करें, पोको पे आपको मिलेगा 240Hz का टच सैम्पलिंग रेट, मोटो पे आपको मिलेगा 360Hz का टच सैम्पलिंग रेट। पोको के डिस्प्ले का मैक्सिमम ब्राइटनेस है 1200 nits, मोटो के डिस्प्ले का मैक्सिमम ब्राइटनेस है 700 nits। तो मतलब इधर हम एक चीज कह सकते हैं, दोनों फोन के बीच में अगर आपको सबसे बेस्ट लुकिंग बेस्ट क्वालिटी का डिस्प्ले चाहिए तो उस मामले में मोटो इधर होगा डेफिनेटली बेटर। प्रोसेसर की अगर बात करें, इधर दोनों भी आपको मिलेगा स्नैपड्रैगन 695 जो कि 6 नैनोमीटर आर्किटेक्चर पे, और दोनों का एंटीटू स्कोर है वही 4,09,000 या फिर 8,000 के आसपास। मतलब सीपीयू परफॉर्मेंस इस डिपार्टमेंट में दोनों एग्जैक्टली सेम। कैमरे की अगर बात करें, पोको पे आपको मिलेगा 48 और 2 का डीआर कैमरा, उसके साथ डुअल एलईडी फ्लैश। फ्रंट में होगा 13 मेगापिक्सल का सेल्फी, उसके साथ कोई डेडिकेटेड फ्लैश नहीं। उसी जगह पे मोटो पे आपको मिलेगा 58 और 2 का डीआर कैमरा, डुअल एलईडी फ्लैश। फ्रंट में आपको मिलेगा 16 मेगापिक्सल का सेल्फी, कोई डेडिकेटेड फ्लैश नहीं। मतलब देख सकते कि मेगापिक्सल काउंट के मामले में मोटो इधर होगा स्लाइटली बेटर, मतलब उस मामले में ज्यादा डिफरेंस नहीं। लेकिन मेन डिफरेंस आपको मिलेगा OIS पे, क्योंकि मैंने आपको हमेशा एक चीज कहा है, चाहे एक स्मार्टफोन के अंदर एक बेकार क्वालिटी का सेंसर हो लेकिन अगर उसके अंदर OIS होता है तो समझ लीजिए वो स्मार्टफोन का जो फोटोग्राफी या फिर वीडियोग्राफी डेफिनेटली बेटर होगा सेम प्राइस पर में अवेलेबल बाकी किसी भी फोन के मुकाबले। तो इसलिए इस मामले में मोटोरोला G82 डेफिनेटली इधर बेटर। नेक्स्ट, रैम और वेरिएंट की अगर बात करें, पोको का टोटल दो वेरिएंट है 6 120GB और 8 256GB। मोटो का हमें टोटल दो वेरिएंट मिलेगा 6 120GB और 8 120GB। दोनों भी आपको मिलेगा हाइब्रिड कार्ड स्लॉट का ऑप्शन, इसका मतलब आइदर दो सिम कार्ड या फिर एक सिम कार्ड और एक एसडी कार्ड हम सेम टाइम इस्तेमाल कर पाएंगे। अगर हम दोनों की रैम और रोम क्वालिटी के बारे में बात करें तो दोनों भी आपको मिलेगा LPDDR4 इसका रैम और UFS 2.2 क्वालिटी का स्टोरेज। इसका मतलब रैम रोम स्टोरेज क्वालिटी ऐसा मामले में दोनों एग्जैक्टली सेम। बैटरी की अगर बात करें तो दोनों पे आपको मिलेगा 5000mAh बैटरी। पोको पे आपको मिलेगा 33W का चार्जर, मोटो पे आपको मिलेगा 30W का चार्जर, और दोनों का कनेक्टिविटी USB Type-C। इसका मतलब इस बैटरी चार्जिंग ये सब क्वालिटी में भी दोनों एग्जैक्टली सेम। ऑडियो की अगर बात करें तो पोको पे आपको मिलेगा सिंगल स्पीकर जिसके साथ DTS HD ऑडियो का सर्टिफिकेशन, मोटो पे आपको मिलेगा डुअल स्टीरियो स्पीकर और उसके साथ आपको मिलेगा डॉल्बी एटमॉस का सर्टिफिकेशन। मतलब ऑब्वियसली ऑडियो डिपार्टमेंट में मोटो इधर है डेफिनेटली बेटर। पोर्ट
नोट्स की अगर बात करें, दोनों पे आपको मिलेगा 3.5 इंच जैक और साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर। पोको पे आपको एक एक्स्ट्रा आईआर ब्लास्टर का भी ऑप्शन आपको मिलेगा, मतलब इस मामले में दोनों स्मार्टफोन ऑलमोस्ट सेम। ओएस की अगर बात करें, दोनों ही फोन में आपको मिलेगा एंड्रॉइड 12 आउट ऑफ द बॉक्स। पोको का यूजर इंटरफेस है MIUI, मोटो का यूजर इंटरफेस है स्टॉक UI। और इधर अगर मैं मेरा ओपिनियन देता हूं तो मैं इधर MIUI के मुकाबले जो स्टॉक एंड्रॉइड मतलब जो मोटोरोला का जो यूजर इंटरफेस उसे मैं थोड़ा सा ज्यादा प्रेफर करना चाहूंगा, क्योंकि इसमें आपको जो सॉफ्टवेयर अपडेट वो कॉम्पेटिवली बेटर मिलता है बाकी ब्रांड के मुकाबले। तो इसीलिए दोनों फोन के अंदर मैं ओएस के मामले में मोटोरोला को थोड़ा सा ज्यादा प्रेफर करना चाहूंगा। और क्योंकि दोनों स्मार्टफोन है 5G, तो हमें देखना पड़ेगा कि दोनों पे हमें कितने सारे 5G बैंड मिलेगा। तो पोको पे आपको मिलेगा टोटल 7 5G बैंड, मोटो पे आपको मिलेगा 13 5G बैंड। पोको पे आपको इंडिया में जो इंपोर्टेड N77 और N78 दोनों में से जो N78 वाला बैंड वही आपको मिलेगा, और मोटो पे सभी के सभी 5G बैंड इंक्लूडिंग N77 और N78 दोनों का ऑप्शन हमें मिलेगा। तो मतलब बेटर क्वालिटी 5G नेटवर्किंग के मामले में इधर मोटो होगा डेफिनेटली बेटर। और इसके बाद फाइनली अगर दोनों के प्राइस की बारे में बात करें, पोको का 2 वेरिएंट है 19,000 और 21,000 रुपए, और मोटो का टोटल 2 वेरिएंट है 19,500 और 20,500 रुपए। तो अब बड़ी इस वीडियो के कंक्लूजन की, तो सेम प्राइस पॉइंट में दोनों में से कौन सा बेटर है ये नेक्स्ट साल देखने के बाद अगर सारा कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगा। तो अगर भी स्टार्ट में देखते तो सेम प्राइस पॉइंट में पोको X5 5G में आपको कोई भी एडवांटेज नहीं मिलेगा कंपेयर टू मोटोरोला G82 5G। लेकिन सेम प्राइस पॉइंट में अगर आप मोटोरोला G82 5G को चूज करेंगे तो आपको मिलेगा बेटर क्वालिटी डिस्प्ले, क्योंकि इसमें आपको 10-bit पैनल और उसके साथ ज्यादा टच सैम्पलिंग रेट भी मिलेगा, बेटर क्वालिटी कैमरा क्योंकि OIS का ऑप्शन मिलेगा, और प्राइस पॉइंट के अंदर ये प्रोबेबली एक लौता ऐसा स्मार्टफोन है जिसमें आपको OIS का ऑप्शन आपको मिलेगा, प्राइस पॉइंट का सबसे हल्का स्मार्टफोन, बेटर क्वालिटी ऑडियो क्योंकि डॉल्बी एटमॉस और डुअल स्टीरियो स्पीकर दोनों का ऑप्शन आपको मिलेगा, और टोटल 13 5G बैंड भी आपको मिलेगा। तो मतलब देखिए वीडियो में आकर मैं अच्छे से समझ में आ गया होगा, मेरे ख्याल से 19,000 रुपए में पोको X5 5G लेने से बेटर आपके लिए होगा 19,500 मतलब 500 रुपए ज्यादा देके मोटोरोला G82 लेना, जो कि आप लोगों के लिए ओवरऑल एक बेटर एक्सपीरियंस प्रोवाइड करेगा। तो अभी आप मुझे कमेंट जरूर बताना कि आप ये दोनों स्मार्टफोन के बीच में कौन सा चूज करना चाहेंगे, इसके बारे में मुझे कॉशन करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक स्टे ट्यून्ड एंड ऑलवेज रिमेंबर थिंक पॉजिटिव बी पॉजिटिव। थैंक यू।